जिला बिलासपुर के गांव नाल तहसील सदर जिला बिलासपुर के रहने वाले विनोद कुमार दिव्यांग होने के बावजूद भी अपना सारा काम स्वयं करते हैं और वो दिव्यांगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हालांकि उनके दोनों हाथ विकलांग हैं लेकिन फिर भी वे ट्रक और कार चलाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें अभी तक विकलांगता पेंशन नहीं लगी है, जिसका उन्हें मलाल है। विनोद कुमार का क्रिकेट और वॉलीबॉल शौक है। हालांकि दोनों हाथ अपंग होने के बावजूद भी वे वॉलीबॉल में जिला स्तर तक खेल चुके हैं। विनोद का कहना है कि जब अपने में हिम्मत है तो दूसरों का सहारा क्यों लेना चाहिए, लेकिन वेलफेयर कार्यक्रम में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बावजूद भी उन्हें अभी तक अपंगता पेंशन नहीं लगी है और ना ही उन्हें नौकरी मिली है। मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं गाँव नाल का रहने वाला हूँ, जो कि अपने तनवाल और स्वरघाट के नज़दीक पड़ता है। और मैंने प्लस टू के बाद बीसीए का कोर्स किया है, जो कि कंप्यूटर कोर्स होता है, और कुछ सी लैंग्वेज वगैरह के कोर्स और किए हैं। और इसके बाद 2012 के बाद मैं अपने निजी ट्रक पे चला गया, जिस पे मैंने 2-3 साल लगाए। उसके बाद थोड़ी बहुत गाड़ी चलाने लग गया, पड़ी भी अब छोटी तो चला ही लेते हैं। और स्कूल टाइम में मेरे फेवरेट गेम्स क्रिकेट और वॉलीबॉल थी। वॉलीबॉल के लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेल के आया हूँ और सरकार की तरफ से मुझे कोई नौकरी या पेंशन कुछ भी नहीं दिया गया है। मैं अभी 2-3 महीने पहले अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वेलफेयर ऑफिस में फिल करके आया हूँ और फिर भी मुझे पेंशन नहीं लगी, और सरकार से यही दरख्वास्त है कि मुझे नौकरी देने की कृपा करें। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से ऋषु प्रभाकर की रिपोर्ट।